नमस्कार, आप देख रहे हैं से 24 लाइव, जहां एक और कोरोना महामारी का संकट है, वहीं दूसरी ओर पटना के एक गरीब परिवार ने एक बच्चे को खो दिया। बच्चे की पुल में दबकर मौत हो गई। एक और महामारी से जूझते परिवार, वहीं बच्चे की मौत की खबर वाकई विचलित कर देती होगी। बच्चे की मौत के बाद परिजनों के मदद को आए जाप सुप्रीमो पप्पू यादव। पप्पू यादव ने आज राजधानी पटना स्थित बेली रोड ललित भवन के पास पुल से दबकर मृत बच्चे के परिजनों से मुलाकात की और वहीं शोक व्यक्त करते हुए मृतक के परिजनों को आश्वासन दिया कि मैं हमेशा आपके साथ हूं। वहीं पप्पू यादव ने सरकार से मृतकों के परिजनों को नौकरी, पुल बनाने वाली कंपनी की जांच और कंपनी द्वारा मृतक के परिवार को 20 लाख मुआवजा देने की मांग भी की। पटना से संवाददाता रंजीत कुमार की रिपोर्ट। खराब बांट के दे देते, आप इस परिवार को नौकरी दीजिए। सिंगला कंपनी पर हर परिस्थिति में इंक्वायरी होना चाहिए, 302 का मुकदमा लगना चाहिए और सिंगला कंपनी उस एवज में इस परिवार को 20-20 लाख रुपया दे, अन्यथा सिंगला कंपनी को बैन करना चाहिए। सभी जगह लूटा है बिहार को इन नेताओं ने, इन लोगों को मिलकर। हम पूरी एस्टिमेट की जाँच की मांग करते हैं और सिंगला कंपनी को बैन की मांग करते हैं।